हेलो दोस्तों, मैं हूं योगेश और क्रिक्सो पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आईपीएल 2023 के दूसरे हाफ की शुरुआत हो चुकी है और आज डबल हेडर मैच का पहला मुकाबला केकेआर और गुजरात टाइटंस के बीच खेला जाएगा। यह मुकाबला कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जाना है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज के मैच प्रीव्यू और साथ ही साथ संभावित प्लेइंग 11 की। उससे पहले अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, आपको आगे भी क्रिकेट से रिलेटेड ऐसी ही वीडियोस मिलती रहेंगी। दोस्तों, आपको बता दें कि इस सीजन में दूसरी बार दोनों टीमें एक दूसरे के आमने सामने होंगी। पिछली बार केकेआर ने मेजबान टीम को 3 विकेट से हरा दिया था और उस मैच में रिंकू सिंह ने कमाल की पारी खेली थी और आखिरी ओवर में 5 छक्के जड़कर केकेआर को विजयी बनाया था। दोस्तों, पिछले मुकाबले में मिली हार का बदला लेने के लिए हार्दिक पांड्या एंड कंपनी पूरी तरह से तैयार है। वही प्लेऑफ की रेस में बने रहने के लिए नीतीश राणा के योद्धाओं को इस मुकाबले में शानदार परफॉर्मेंस करने की जरूरत है। इसके अलावा दोस्तों, अगर बात करें ईडन गार्डन्स की पिच की, तो यहाँ की विकेट बल्लेबाजों के लिए अनुकूल मानी जाती है। लेकिन दोस्तों, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इसी स्टेडियम पर बेंगलोर की टीम महज 49 रनों पर ऑल आउट हो गई थी। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं आज की संभावित केकेआर की प्लेइंग 11 की। तो वो इस प्रकार हो सकती है: रहमान उदुल्ला, गुरबाज, नारायण जगदीशन, नीतीश राणा, रिंकू सिंह, आंद्रे रसल, सुनील राणा, सुयश शर्मा, वरुण चक्रवर्ती, लॉकू फर्ग्यूसन और उमेश यादव। वही दोस्तों, अगर बात करें आज की संभावित गुजरात की प्लेइंग 11 की, तो वो इस प्रकार हो सकती है: रिद्धिमान शाह, शुभमन गिल, साइफ दर्शन, हार्दिक पांड्या, डेविड मिलर, राहुल तेवतिया, अभिनव मनोहर, राशिद खान, मोहम्मद शमी, मोहित शर्मा और नूर अहमद। तो आई होप दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।